जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, हमने सत्संग में बातें तो बहुत सुन ली, पर मन का भाव नहीं बदला। भाव बदले बिना साधक ऊंचा नहीं उठता। सबकी सेवा और हित करने का भाव रहना चाहिए, इससे जल्दी उन्नति होती है। एक साधक ने प्रश्न किया, निरंतर भजन कैसे हो? उत्तर में पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं कि जिनका भगवान में प्रेम है या जिस आदमी के निरंतर भजन होता है, उनके साथ रहने से निरंतर भजन हो सकता है। नाम जप से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। जब नाम जप में अलौकिक आनंद आने लग जाएगा, तब फिर नाम जप छूटेगा ही नहीं। भगवान के नाम से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, यह बात शास्त्र महापुरुष कहते हैं, अतः मान लेनी चाहिए। जैसे वकील को हम हस्ताक्षर करके अपना गला उसके हाथ में दे देते हैं, अपनी गरज से उसको रुपए भी दे देते हैं और सिफारिश भी करवाते हैं। महात्मा आपसे रुपए भी नहीं लेते और जन्म मरण से छूटने की दवाई देते हैं, अतः उन पर विश्वास करके काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे डॉक्टर पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार काम करते हैं, इतना विश्वास भगवान पर करके उनकी शरण हो जाएं तो काम बन जाए। वैद्य वकील के जितना भी विश्वास भगवान पर कर लें तो बेड़ा पार है। हमारे मानने की और विश्वास की कमी है। भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। जैसे बादल में आकाश है, उसमें अणु मात्र भी जगह ऐसी नहीं है जो आकाश से रहित हो, ऐसे ही भगवान इस संसार में हैं। भगवान कहें वैसा हमें करना चाहिए। पीछे का काम भगवान का है। जप करने वाले के आनंद और शांति स्वतः ही रहेगी। यदि आपके आनंद और शांति नहीं रहती है तो जप अभी वैसा नहीं हो रहा है। जब जप स्वतः ही होने लग जाएगा तब आनंद शांति स्वतः ही आने लग जाएगी। जब तक नाम जप स्वतः ही नहीं होता तब तक आनंद और शांति कम रहती है। हमारी इतनी बात मान लो कि हम आपको अनुभव में लाई हुई सच्ची बात कहते हैं कि भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। नाम जप करने पर भगवान के नाम और रूप की स्मृति स्वतः ही होती है। भगवान महात्मा और शास्त्र जो कहते हैं वे ठीक ही कहते हैं। उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। हम वैद्य और वकील पर भी विश्वास करते हैं तो भगवान महात्मा और शास्त्र पर तो उससे भी अधिक विश्वास करना चाहिए। वैद्य की दवाई से बचेंगे या नहीं यह शंका है, पर भगवान और महात्मा के वचनों के अनुसार चलने से जन्म मरण रूपी बीमारी रहती ही नहीं। भगवान के नाम जप का पूरा फल जो निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक करे उसको मिलता है। जैसे श्वास अपने आप ही आते हैं, वैसे ही भगवान के नाम का जप भी अपने आप ही होने लगे। भगवान नाम जप निष्काम भाव से एवं श्रद्धा प्रेम से हो वह बहुत मूल्यवान है। आपके जीवन की कमाई एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। यदि आप यहाँ करोड़ रुपए भी जमा कर लें तो आपके साथ नहीं चलेगा, कुछ काम नहीं आएगा, और भगवान का नाम आपके जीवन मरण से उद्धार कर देगा, आपका कल्याण कर देगा। मरने के समय भगवान का नाम बिना श्रद्धा प्रेम के भी लेने पर कल्याण हो जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। चाहे वह कितना ही महान पापी हो, यदि मरने के समय उसको भगवान का स्मरण रह गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। मरते समय किसी पशु पक्षी की आवाज़ आती हो तो उसको हटा देना चाहिए,
हल्ला नहीं मचाना चाहिए। कुत्ता चिड़िया को हटा दें। मरने के समय यदि पशु पक्षी का स्मरण हो गया तो पशु पक्षी बनना पड़ेगा। इसलिए मरने वाले के पास से पशु पक्षी और बुरे संस्कारों की चीज़ों को हटा देना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।